नमस्कार दोस्तों, तुम्हारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं बिहार के सीताकुंड द्वार, यानी यह द्वार बोध गया में है। और यहाँ पर हिंदू धर्म के अनुसार जितने भी पिंडदान किए जाते हैं यहीं से होता है। तो चलिए आज यहाँ का दर्शन कराएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर आए हुए हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर एल्बम की शूटिंग की जा रही है, तो आप समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण पितृपक्ष के दौरान गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म के लिए जरूरी वस्तुएं जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण नगर की तरफ चल पड़े। उन्हें आने में काफ़ी वक्त लग गया था, पर दोपहर हो गई थी, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था और माता सीता परेशान हो गई थी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंड की मांग कर दी। मजबूर होकर माता सीता ने फाल्गु नदी के समीप केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ को निमित्त पिंड दान कर दिया। थोड़ी ही देर में भगवान राम और लक्ष्मण आए तो माता सीता ने कहा कि आपको आने में देर हो गई और देर होने की वजह से मैंने पिंड दान कर दिया। तभी भगवान राम ने कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। तब उन्होंने माता सीता से पिंडदान का प्रमाण मांगा। तब माता सीता बोली कि फाल्गु नदी, गाय और बरगद के पेड़ यानी वट के वृक्ष और केतकी के फूल इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि मैंने बालू का पिंड बनाकर पिंडदान कर दिया। परंतु एक वट वृक्ष को छोड़कर सभी मुकर गए। वह वृक्ष ने कहा, यह सच है कि आपकी अनुपस्थिति में माता सीता ने पिंड दान कर अपने धर्म का पालन किया। महाराजा दशरथ की आत्मा ने भी यह स्वीकार किया। विलंब होने की वजह से ही पुत्री सीता ने उन्हें पिंड दान करके उनकी आत्मा को तृप्त कर दिया। तभी राम और लक्ष्मण को यकीन हुआ तो वह प्रसन्न हुए। परंतु झूठ बोलने पर माता सीता ने केतकी के फूल से कहा कि तुम्हारा फूल कभी पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। उन्होंने गाय को श्राप दिया कि पूजित होने पर भी तुम्हें जूठा खाना खाना पड़ेगा। और फाल्गु नदी को श्राप दिया कि उसमें कभी पानी नहीं भरेगा। वह वृक्ष को यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी आयु बहुत लंबी होगी, तुम लोगों को छाया प्रदान करोगे और पतिव्रता स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए तुम्हारी पूजा किया करेंगे। तो दोस्तों, यही कारण है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास होने के बाद भी वह सड़कों पर भूखी प्यासी जूठन खाने को मजबूर है। इसी प्रकार केतकी का फूल कभी भगवान पर नहीं चढ़ता और गया जिला में जो फाल्गु नदी है वह हमेशा सूखी रहती है। ये माता सीता का श्राप का वह कारण है। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आगे बहुत कुछ है देखने को, आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, यही सीताकुंड द्वार है और देखिए आगे कुछ ज्ञान बांटा जा रहा है। और तो चलिए हम यहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये तीन चीजों स्वर्ग जाने का रास्ता है। गया जी ने इन तीनों प्रेम के नाम से तीन स्वर्ग जाने का रास्ता भी बनाया जो हर कोई नहीं जानता है। पहला सर स्वर्ग का रास्ता तो यहाँ से नदी जब पार करते हैं फाल्गु रिवर, देखेंगे बगल में विष्णु टेम्पल के बगल में विष्णु मसान घाट है, यहाँ पे सर डेट पूरी जलाई जाती है। वो डेट पूरी कहीं का भी हो, कर्नाटका, दिल्ली, मुंबई, पटना, हरियाणा, चंडीगढ़, भूटान, नेपाल, अमेरिका, थाईलैंड, जहाँ का भी हो, उसमें जो भगवान विष्णु का चरण है वो गया सुर के ऊपर दबा हुआ चरण है। वो गया सुर के ऊपर जो भी कोई अपने पितरों का पिंड छोड़ दे, पिंड छूटते ही स्वर्ग लोक चला गया। पीला याचना करते जो आप सभी के हाथ में मिट्टी दिया गया है, ये मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं, ये स्वर्ग भूमि का मिट्टी है। अगर इस मिट्टी को सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो सही काम करेगा और गलत ढंग से इस्तेमाल करने पर ही गलत। तो दोस्तों, हम लोग फिलहाल सीताकुंड का दर्शन कर लिए हैं, बोध गया के सीताकुंड जहाँ पर ये मंदिर है। और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। यही ये फाल्गु नदी है जो हमेशा सूखा ही रहता है, सिर्फ सावन में ही यहाँ पर पानी का दर्शन हो पाता है। और आप देख सकते हैं कहीं कहीं जिस भी से खुदवा के जल पानी का जमा किया गया है। और यही ये फाल्गु नदी है जो बहुत छोटी लगती है।
को समर्पण नदी भी है। यहीं पर भी लोग अपने अपने पिता का बलिदान भी कराने आते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी लोग हैं जो स्वर्गवास के लिए जब होता जाता है किन्हीं का, तो पिंडदान यही आके करवाते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर किसी एल्बम की शूटिंग भी हो रही है, जो भीड़ लगी हुई है आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी एल्बम की शूटिंग की जा रही है। दोस्तों यहाँ पर सीताकुंड का रास्ता है और बस आप इसी के बगल से आइएगा, सूर्यदेव सीताराम जी का मंदिर मिलेगा जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए